हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे जानेंगे पुराने हॉल बेडरूम में फॉल सीलिंग होता है तो वायरिंग किस तरह किया जाता है और डिजाइन के हिसाब से पाइप फिटिंग करते हुए वायरिंग किस तरह करते हैं। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम अपना यूट्यूब चैनल गंगा भारती पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जानेंगे जो कि पुराना हॉल है, इस हॉल में फॉल सीलिंग होने वाला है और फॉल सीलिंग में वायरिंग किस तरह करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको यहाँ पर डिजाइन दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का डिजाइन है, इसमें वायरिंग करना है तो पाइप फिटिंग के साथ वायरिंग किस तरह करते हैं इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पर आप नए हुए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड है जो कि 12 मॉडलर है, इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद जो स्विच में वायर होगा वो निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको बोर्ड को खोल लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों यहाँ का जो पुराना हॉल है, इसमें जो पार्टी है उसको फॉल सीलिंग करना है तो उसके हिसाब से वायरिंग करना है दोस्तों। अभी तो इसी के डिज़ाइन के हिसाब से वायरिंग करेंगे दोस्तों। देखिए बोर्ड निकाल चुका हूँ मैं और जो जंक्शन है, चारों तरफ से जंक्शन है दोस्तों। जो पुराना भी अंडरग्राउंड फिटिंग है इस रूम का, तो इसको जो मटेरियल है वो निकाल लेंगे पहले अच्छे से, दो होल्डर, सीलिंग रोल्स। दोस्तों इस पार्टी को जो फॉल सीलिंग करना है तो उसके हिसाब से अभी वो जो डिज़ाइन के हिसाब से अपन वायरिंग करेंगे और उसको किस तरह करते हैं इस वीडियो में पूरा देखिए दोस्तों। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें जो नए इलेक्ट्रिशियन सीखने वाले हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरा मटेरियल निकाल चुका हूँ और वायर निकाल रहा हूँ। जो पुराना वायर अगर काम में आता है तो इसको यूज करेंगे, जॉइंट फॉल सीलिंग में बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो तो इस तरह से मैंने जो वायर है वो निकाल चुका हूँ। जो दरवाजे की तरफ से बोर्ड है इसका और दूसरी वाली बाजू है जीने की तरफ की। ठीक है, इस तरह से ये भी जंक्शन निकाल चुका हूँ मैं। अभी जंक्शन से पूरा वायर निकाल लेंगे फैन बॉक्स से होते हुए। ठीक है दोस्तों, ये जो पुराना मटेरियल है, दो होल्डर, दो सीलिंग रोल, राउंड प्लेट और बोर्ड, स्विच बोर्ड, इस तरह से देखिए ये पूरा डिजाइन है दोस्तों। चैनल फिटिंग हो चुका है, यहाँ पर एक साइड जीना है दोस्तों। जो फोर वे जंक्शन है उसको मैंने कटिंग किया है, जो कि दो वायर आएगा इसमें से फैन बॉक्स का। इस तरह से देखिए दोस्तों, जो मैंने पाइप लगाया है फैन बॉक्स के पास, वहाँ पर मैंने फोर वे जंक्शन लगा दिया है जो कि दोनों तरफ में ये वायर जाएगा। एक तरफ रहेगा दरवाजे की तरफ और दूसरा जीने की तरफ। दोस्तों दरवाजे की तरफ से मैंने जो पाइप फिटिंग कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर रहेंगे दो बड़े एलईडी पैनल जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा कितने वाटेज के रहेंगे, और एक छोटा रहेगा कि वो वॉम वाइट कलर में रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी जो पाइप लगा रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रिप लाइट रहेगा। देखिए इस तरह से, इस तरफ एक दो और इस साइड से दो, इस तरह से पॉइंट रहेंगे यहाँ। और जीने के साइड से देखिए अभी यहाँ पर भी उसी तरह से एक छोटा रहेगा वॉम हाउट जो मेरे पीछे की साइड में रहेगा, और दो बाजू में दो रहेंगे इस तरह से। यहाँ एक थोड़ा बड़ा पाइप हो चुका है, इसको कटिंग करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर एक रहेगा और सीधे हाथ पे एक रहेगा इस तरह से। इस साइड में भी तीन रहेंगे और बीच में एक फैन, इस तरह से दो साइड और बीच में फैन। दोस्तों यहाँ पर जो वायर लेके आए 1 स्क्वायर mm का है, प्रेस पेड का, FR का, सेफ्टी फर्स्ट, इस तरह का वायर है दोस्तों। 150 फीट का बंडल है दोस्तों, ये रेड और ब्लैक बंडल दोनों है। देखिए दोस्तों, मैंने स्प्रिंग में जो वायर फिटिंग किया है वो अभी बोर्ड से होते हुए जाएगा। इस तरह से ऊपर जो जंक्शन है वहाँ निकलेगा। यहाँ पर जंक्शन में आया है स्प्रिंग
और यहाँ से जाएगा अभी फैन बॉक्स में। देखिए इस तरह से स्प्रिंग आ चुका है, और इस तरह से स्प्रिंग को खींचते हुए देखिए वायर भी आ चुका है। ये जो वायर डाला है दोस्तों मैंने, ये आएगा अभी पूरे वायर का यहाँ से नापते हुए बोर्ड के पास जाएगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह से इसका नाप लेना है। देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रल यूज किया है मैंने 1 स्क्वायर mm का। अभी पाइप से होते हुए एक पॉइंट निकालेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर जंक्शन में आ चुका है। अभी ये जंक्शन से उस साइड जाएगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों फॉल सीलिंग में वायरिंग करते समय जो कि जंक्शन के पास अपने को जो पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट का वायर कम से कम 2 से 2.5 फीट होना चाहिए, जो कि इस तरह रहेगा। देखिए रेड वायर मैंने रिटर्न खींचना है। अभी आप लोगों को कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से ये जंक्शन से होते हुए अभी बोर्ड में आएगा। ये देखिए यहाँ पर जो कि यहाँ बोर्ड है, यहाँ पे इसके हिसाब से कटिंग रहेगा पूरा बोर्ड से। थोड़ा बड़ा वायर अभी देखिए रेड वाला वायर जो मैं रिटर्न खींच रहा हूँ, ये हो गया अभी इस पूरे रूम के वायरिंग का। जो गिन के लिए वाला वायर है ये, इसके हिसाब से पूरा वायर आ जाएगा। अभी इस तरह से रहेगा दोस्तों, पूरा बोर्ड तक आएगा ये। अगर छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। अभी देखिए दूसरा वाला पॉइंट निकालेंगे इस तरह से, एक न्यूट्रल और एक फेस। देखिए इस तरह से इसमें भी उतना ही वायर रखना है दोस्तों, 2 से 2.5 फीट तक। अभी तीसरा वाला दोस्तों, थोड़ा मैंने स्पीड बढ़ाया है क्योंकि आपका वीडियो बढ़ाना हो इसलिए। ये हो चुका है दोस्तों स्ट्रिप लाइट के लिए, और जो सामने दिख रहा है वो एक तीसरा पॉइंट है। इस तरह से 4 पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों। देखिए इसमें भी मैंने बड़ा रखा है, ज़्यादा रखेंगे वायर तो अच्छा रहेगा। इस तरह से ये कटिंग हो चुका है अभी, जो आपने माप लिए थे उसके हिसाब से। एक देखिए दोस्तों, एक मेरे पीछे की साइड में 2, और यहाँ पर 1, 3 और स्ट्रिप लाइट का 1, 4। इस तरह से इस साइड में 4 पॉइंट है, और देखिए वायर रेड कलर के 1, 2, 3 और 4, ये न्यूट्रल। इस तरह से ये इस साइड का हो चुका है। अभी जीने के साइड का देखिए दोस्तों, सेम उस तरह से होगा। थोड़ा पीछे लेता हूँ सीढ़ी में, और यहाँ से जो आएगा एक मेरे सामने, देखिए इस तरह से। यहाँ पर भी बड़ा रखेंगे दोस्तों वायर, भूलकर भी छोटा मत रखिए क्योंकि बाद में जॉइंट हो जाता है वायर में, मेंटेनेंस के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है उसके लिए। देखिए इस तरह से ये पॉइंट हो चुका है। अब इसको गिन कर यहाँ पर कटिंग कर देंगे, अच्छे से गिनना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह से ज़्यादा बड़ा या छोटा ना हो जाए। फॉल सीलिंग में गलती से भी जॉइंट नहीं लगाना है दोस्तों, बाद में बहुत दिक्कत होता है वायरिंग में फॉल्ट होने के बाद। इस तरह से देखिए पीछे की साइड में जो वार्म व्हाइट में कलर रहेगा, उसके लिए एक दूसरा वाला पॉइंट। और इस तरह से तीसरे वाले पॉइंट का अर्थिंग को नाप के लेता हूँ। देखिए इस तरह से ये भी पॉइंट निकल चुका है। हल्का सा टेप मारने के बाद इस वायर को गिन के लेता हूँ, जो कि 3 पॉइंट का आ जाएगा अभी। और ये अभी मैं इसमें फैन बॉक्स में लगाऊंगा ये वायर, अभी ये पीछे वाले 3
पॉइंट का एक, देखिए इस तरह से एक पॉइंट, मेरे पीछे वाला दो और ये तीन, इस तरह से इस साइड का भी हो चुका है। अभी ये वायर आएगा आगे के इसमें फैन बॉक्स के पास, देखिए इस तरह से टोटल मिलाकर अभी जाएगा ये बोर्ड की तरफ। पहले जाएगा जंक्शन में जो कि बोर्ड के ऊपर है, देखिए इस तरह से स्प्रिंग आ चुका है यहाँ पर। अच्छे से लेवल करें वायर पूरा टोटली दोस्तों। यहाँ से अभी जो जाएगा अब जो कि 12 मॉडल मेटल बॉक्स है यहाँ पर, अपना स्विच बोर्ड जंक्शन बॉक्स से होते हुए, देखिए इस तरह से ये वायरिंग अभी बोर्ड तक आ चुका है। मेन सप्लाई का वायर पहले से ही है जो कि पुराना वाला, एकदम छोटा वायर है दोस्तों। देखिए एक दो तीन, इस तरह से देखिए दोस्तों। कुछ दिनों के बाद, 3 दिन के बाद जो वॉल सीलिंग और कलरिंग हो चुका है इस हॉल का, इस तरह का डिज़ाइन जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया था उसी तरह का सेम बनाया है। अब इसमें लगाएंगे पैनल लाइट, स्ट्रिप और फैन। देखिए दोस्तों यहाँ पर 12+4 का पैनल लाइट है, 6+3 का है और 3 वाट का स्पॉट लाइट, इस तरह की ये लाइट लगाएंगे। तो इसे लगाते समय देखिए दोस्तों, पहले 12+4 का ले लेंगे। इसका इंसुलेशन रिमूव कर देता हूँ मैं पहले। इस तरह से अभी यहाँ पर लगेगा पैनल लाइट, तो पैनल लाइट के भी इंसुलेशन रिमूव कर देता हूँ वायर का दोस्तों। यहाँ एक ही लगा के दिखाता हूँ आपको मैं, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए, एकदम आसान है दोस्तों। साथ में इसको करेंगे टेपिंग, इस तरह से, और अच्छे से वायर रखते हुए ड्राइवर रखने के बाद 2 क्लिप रहेगा, उसको एक साइड से उठाकर दूसरे साइड से उठाकर यहाँ से इस तरह से छोड़ देंगे तो अच्छे से लाइट बैठ जाएगा। इस तरह से मैंने चारों लगा दिया दोस्तों। अभी लगा रहा हूँ 3 वाट का, इसका इंसुलेशन रिमूव करके कनेक्शन कर देता हूँ। ये मूवेबल है दोस्तों, आगे दिखाता हूँ आपको मैं। इस तरह से ये कनेक्शन हो चुका है, इंसुलेशन टेप से टेपिंग करेंगे और वायर को अच्छे से जमा करते हुए ऊपर रख देंगे अच्छे से, और इसके क्लिप भी उठाकर इस तरह छोड़ना है आपको जो कि स्प्रिंग है इसमें। देखिए इस तरह मूवेबल है, देखिए यहाँ पास में आइए, देखिए इस तरह। और यहाँ लगाएंगे रोपवे LED RGB कलर, इस पर देखिए ड्राइवर पे दिखा LED RGB ओनली। इसमें एक रिमोट मिलता है आपको, आप जो चाहे वो कलर रख सकते हैं या लगा सकते हैं। रिमोट चलाने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक पन्नी है, उसको निकालना पड़ेगा आपको, ये वाला दोस्तों। यहाँ देखिए मैंने जो आपको दिखाया था जो कि स्ट्रिप के लिए पॉइंट निकाला हुआ, 2 वायर, इसका जो पिन है उसको कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का किया, अभी फेस का करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका कनेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा अच्छे से टाइट कर देता हूँ और इंसुलेशन से इसको भी पैक कर देंगे जॉइंट को, और अच्छे से रखेंगे। और जो सेंसर है उसके भी बाहर आना चाहिए वो, इस तरह से पूरा रोपियो लाइट है दोस्तों, स्ट्रिप लाइट नहीं है, LED रोपियो लाइट। इस तरह रखते हुए मैंने इस हॉल का स्ट्रिप लाइट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका टेस्टिंग करेंगे और चालू में देखिए दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन
एक्सपीरियंस वाले है तो आप चालू में यूज करें इसे। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये बोर्ड पे सॉकेट नहीं है, अभी मैंने दो तीन स्विच लगाया प्लस में, उसके लिए मैंने टोटल न्यूट्रल यहाँ पर कॉमन किया है। और यहाँ पर पहले से दो पॉइंट है, एक फुट लैंप इस तरह का और बाहर का एक बल्ब, इसको कनेक्ट किया है। शुरू के नीचे वाले पॉइंट में बाहर का बल्ब और लास्ट वाला जो दिखेगा आपको नीचे वाला उसमें रहेगा फुट लैंप। अभी चालू में देखिए इस तरह से चेक करते हुए लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, सीरियल नंबर से आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से एक नंबर दो नंबर इस तरह से यूज कर सकते हैं आप स्विच को। देखिए इस तरह चालू चेक करके लगाएंगे चालू में तो ऑन सप्लाई में। पार्टी को जहाँ चाहिए वहाँ स्विच कौन सा वाला चाहिए उस तरह यूज कर सकते हैं। और ये दो वॉम वाइट के जो 3 वाट के वो एक ही स्विच पे रहेंगे इस तरह से। अभी देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से टोटली टेस्टिंग हो चुका है और ऑन भी किया है। 12+4 के टोटल RGB में और जो 3 वाट है वॉम वाइट में और ये स्ट्रिप लाइट इस तरह से। देखिए यहाँ पर सॉकेट नहीं है, टोटल स्विच हो चुके हैं अभी और एक डिमर है। इस तरह से इसे फिटिंग कर देंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, इसी तरह के इलेक्ट्रिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।